हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ उमेश यादव, बैंकिंग करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस का जो एग्जाम होने वाला है 2020 और 21 में। अभी अभी आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज किया है, यानी 2020 और 21 में जो भी एग्जाम होगा उसका डिटेल इस कैलेंडर में आपको है। यानी आप 2020 में बैंकिंग पर फोकस कर रहे हैं तो आप सबके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज है। 2020 में काफ़ी बैंकों में वैकेंसी आने वाली है, तो आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। 2020 में आप सबको अच्छे जॉब मिलेगी। आपने देखा होगा 2020 के शुरू में ही एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो 2020 में बहुत सारे बैंकों में वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे वैकेंसी क्रिएट होने वाली है बैंकों में। बस आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आपको अच्छा जॉब जरूर मिलेगा अगर आप डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करते हैं जो एग्जाम का जो कैलेंडर रिलीज हुआ है उसको एक एक करके देखते हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, आपका टेंटेटिव जो डेट है उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आरआरबी की एग्जाम होती है उसको हम डिस्कस करते हैं, यानी आरआरबी ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट। तो जो ऑफिसर स्केल की एग्जाम होने वाली है और ऑफिसर स्केल वन और ऑफिस असिस्टेंट, यानी आरआरबी पीओ और ऑफिस असिस्टेंट, इसकी जो एग्जाम स्टार्ट हो रही है 1/8/2020 से स्टार्ट हो रही है और 16/8/2020 तक चलेगी। यानी आपका एग्जाम 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और 16 अगस्त से प्री की एग्जाम होगी। और मेन की जो एग्जाम है वो होगा आपका ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये दोनों तीनों का एग्जाम होगा आपको 13/9/2020 को, यानी 13 सितंबर 2020 को एग्जाम होगा मेन। और ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होगा 19/9/2020 को, यानी आपका 19 सितंबर 2020 को होगा। यानी आपका जो आरआरबी के जो एग्जाम होता है पहले होता है उसका डिटेल रहा। अब आगे बात करते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क, पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं, प्रोबिनरी ऑफिसर की। तो इसकी जो एग्जाम स्टार्ट हो रही है 3/10/2020 से स्टार्ट हो रही है और 10/10/2020 तक चलेगी। यानी 3 अक्टूबर से इसकी प्री की एग्जाम स्टार्ट होगी और 10 अक्टूबर तक इसकी चलेगी। और उसके बाद इसकी जो मेन एग्जाम है 28/11/2020 को होगी, यानी 28 नवंबर 2020 को आईबीपीएस पीओ 2020 और 21 का एग्जाम होगा। उसके बाद क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का एग्जाम जो है 12/12/2020 से स्टार्ट होगा प्री का और 19/12/2020 तक प्री का एग्जाम चलेगा। इसकी जो मेन की एग्जाम है 24/01/2021 को होगी, यानी 2021 में आपका 24 जनवरी को एग्जाम होगा इसका मेन का, आईबीपीएस क्लर्क मेन का। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें तो 26 दिसंबर से स्टार्ट होगा इसका, 26 दिसंबर को प्री और 27 को, 26 यानी 27 को प्री एग्जाम होगा और इसका जो मेन का जो एग्जाम होगा 30 जनवरी 2021 को होगा। तो फ्रेंड, जो भी आईबीपीएस ने कैलेंडर आपको रिलीज किया है 2020 और 21 का डिटेल रहा। आप 2020 में बैंकों में प्रिपरेशन करते हैं तो आप सबके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज है। आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, आपको डेफिनेटली आपका जो वैकेंसी है वो आएगा। जो 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 भी आप में से स्टूडेंट पूछते रहते हैं, सर वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, तो कैलेंडर निकल गया, आईबीपीएस ने कैलेंडर रिलीज कर दिया, आपको वैकेंसी 100% आएगी। बस आपको अच्छे से स्टडी पर फोकस रहना है। और फ्रेंड, मेरे चैनल बैंकिंग करियर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले टाइम में आपको इस पर स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इससे रिलेटेड, आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको डिस्कस करेंगे। आप वो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसको सब डिस्कस करेंगे, तो आपको काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलेगा।